बल्ला। परेशान हो के मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए, परेशान हो के मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल लब है यार फिर वही मुश्किल बन जाए। मुझे क्या दरकार है पता नहीं, क्या चाहिए मालूम नहीं, किसकी जरूरत है यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। फिर इस धागे का क्या मतलब, क्यों बांधा है? यकीन तो है लेकिन क्या मैं कुछ मांग के अपने यकीन को आजमाऊं? शायद आज ऐसा ही करता, लेकिन आज भी हमेशा की तरह कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी ख्वाहिश हो। चलो अब यहां से चला जाए, अभी बहुत दूर निकलना है। इन बातों पे तो चलते चलते भी सोचा जा सकता है, और अगर मैं यहां खुद से ही बातें करता रहा तो मेरे साथ ही नाराज हो जाएंगे। खैर अब मैंने हमेशा की तरह बांध ही लिया है तो इसका फैसला भी उसी पे छोड़ देते हैं जो सबकी मुरादें पूरी करता है। वही फैसला करेगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए।
तमाम दुनिया के लोग यहां हमारे कस्बे से गुजरते हैं, हर मुल्क के, हर नस्ल के, नई नई चीजों की तलाश में आते हैं वो, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो दरअसल वो वही रहते हैं जो वो थे जब वो यहां आए थे। पहाड़ चढ़ते हैं, जंगलों में फिरते हैं, दरिया पार करते हैं, तब हर कोई वो काम जो उन्होंने या उनके बुजुर्गों ने पहले किया है वही दोहराते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि माजी हाल से कहीं बेहतर था। उनमें से कुछ लोग महलों में रहते हैं, कुछ लोग चमकते भागते शहरों में, कुछ सफेद चमड़ी के और कुछ काले रंग के होते हैं, कुछ पैसे वाले और कुछ औसत दर्जे के, लेकिन होते तो हम जैसे इंसान ही हैं। मैं उनके वो महल, वो शहर देखना चाहता हूं जहां से वो आते हैं। मालूम तो हो कि वो सफेद या काले क्यों होते हैं। कैसा है वो जहां जिससे निकलकर वो इधर उधर फिरते हैं। किस चीज की तलाश होती है उन्हें। मुझे नहीं लगता कि वो जगहें इतनी दिलचस्प होंगी, क्योंकि जब वो यहां आते हैं और इस वादी को देखकर बस यही कहते हैं कि काश हम सारी जिंदगी यहीं पे बसर कर पाते। और मैं ये देखना चाहता हूं कि वो कहां से आते हैं, कहां अपने अपने दिन गुजारते हैं। उन जगहों की रातें कैसी होती हैं। मैं वो सब कुछ देखना चाहता हूं बाबा। उनके पास ये सब करने के लिए बहुत सारा पैसा होता है। हम में से अगर कोई सफर करता है तो सिर्फ गडरिये, जो अपने और बाकी गांव वालों के मवेशी लेके दूर दूर उन्हें चराने के लिए ले जाते हैं, और इस सफर के दौरान वो नई नई जगहें देखते हैं। तो फिर मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूं। कटरिया बनकर Thank you.
बाबा और अम्मी की तो बहुत याद आएगी। वो भी मेरे बिना कहाँ रह पाएंगे। लेकिन मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूं, आके अम्मी को सब कुछ बता दूंगा। बाबा तो मेरी बात समझ गए, वो हमेशा समझते हैं। अम्मी को भी समझा लेंगे। इसे साथ ले जाना, भूलना नहीं। अब जब तुम बाप बेटे ने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। अम्मी, मुझे आपका ये उतरा उतरा सा चेहरा देखने की आदत नहीं है। आंसुओं में अच्छी नहीं लगती। मैं कौन सा आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। बस कुछ ही महीनों में मैं वापस आ जाऊंगा। मैं कहती हूं जाने की, कुछ नहीं मिलेगा दर दर भटकने से। देखो अम्मी, मैं बचपन से यही ख्वाब देखता रहा हूं कि मैं कब इस जगह से निकलकर बाहर की दुनिया देखूं। बहुत ख्वाहिश है मेरी कि मैं वो सब देखूं जिसका मुझे अरमान है। और अब आपकी ये आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। आप तो इन आंसुओं से मुझे कमजोर कर रही हैं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए। अब मेरे लिए इन आंसुओं को पोंछ दीजिए। Thank you.
अब रहने भी दो, इसे खुशी खुशी रवाना कर, नहीं तो सारे रास्ते यही सोचता रहेगा कि अम्मी का क्या हाल होगा। अम्मी, अगर आप ऐसे ही रोती रहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं समझती हूं, लेकिन इन आंखों का क्या करूं जिन्हें तुम्हें एक भी पल ना देखने की आदत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा बताइए, जब मैं वापस आऊं तो आपके लिए क्या लेता हूं? हाँ हाँ बोलो, इसे क्या मंगवाना है, नहीं तो यही समझेगा कि अम्मी मुझसे नाराज है। नाराज नहीं हूं, फिक्रमंद हूं। अब तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह की निगहबानी में देती हूं, वही हर कदम पे तुम्हारी हिफाजत करेगा। मुझे पता है कि आपके लिए मेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा कि वापस आने पर मैं आपके लिए क्या लाऊं। अब तुम जिद कर रहे हो तो जाओ, रास्ते में बड़ी वादी के बाजार से गुजर हो तो कत्ल में और घी की रोटी ले आना। तुम्हारी वापसी पे पूरे मोहल्ले में बांट दूंगी। वैसे तुम आए कहां से? पहले कभी तुम्हें यहां देखा नहीं? मैं यहाँ का नहीं हूँ, गडरिया हूँ। भेड़ बकरियों को इधर उधर चराने ले जाता हूँ। यहाँ से मेरा घर 2 दिन की दूरी पे है, वो भी जब दिन में 10 घंटे चले, और अगर भेड़ बकरियों ने नखरे किए तो 3 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा ये कहो, इतनी रोटियों और कार्तूमों का क्या करोगे? अम्मी मंगवाती है, कहती है आते वक्त लेते आना, और जब ले जाता हूँ तो सब में बांट देती है। पिछली दफ़ा निचले बाजार से लेके गया था और वो सब रोटियाँ घर पहुँचते पहुँचते सख्त हो गई थी। अब के आपका पता करके आया हूँ, सुना है अगर आपकी रोटियाँ कोई बाहर में ले जाए तो खिजा तक मजा ले। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब बनाने मुझे 2-4 घंटे लग जाएंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय भिजवाता हूँ। शुक्रिया। Thank you.
बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ तुम सिर्फ वर्क गर्दानी कर रहे हो, कुछ पढ़ नहीं रहे हो। पापा, क्या यह जरूरी है कि सब लोग एक जैसी ही किताब पढ़ें? नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि दूसरे लोगों के जहन किन ख्यालात से मुतासर हैं। वो क्यों? ताकि उनसे बात करते वक्त, उनको समझाते वक्त हम इस बात का ख्याल रख सकें कि कहीं हम उनके किसी यकीन पे चोट तो नहीं कर रहे हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि हम अपनी बात उन तक कैसे पहुंचा सकें। ये लो,